नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ में एक और उत्तराखंड की बहुत ही स्पेशल रेसिपी शेयर कर रहा हूँ और इसे हम चैसू करके बोलते हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल ये एक दाल है जो आप कभी भी बहुत आराम से बना सकते हैं, बहुत ईजी और बहुत क्विक रेसिपी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रेसिपी। तो दोस्तों आज की इस रेसिपी के लिए, यानी कि जो हम दाल बनाने जा रहे हैं, इसके लिए हमको ये जो है उड़द की दाल चाहिए और ये काली उड़द होल जो होती है, या फिर आप दली हुई भी ले सकते हो, लेकिन छिलके के साथ लेनी है आपने। तो इस दाल को आपने पीस लेना है, बिल्कुल दरदरा सा पीसना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। तो देखिए आपने एक किस तरह से मैंने पीसा हुआ है, तो इस तरह से आपने ये दाल को पीस लेना है। तो दोस्तों आपने इस दाल को बनाने के लिए ये लोहे की कढ़ाई, यानी कि आयरन की कढ़ाई अगर आपके पास है तो वो ही लेनी है। आपको इसमें बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा, इस दाल का इसी में अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन अगर आपके पास ये कढ़ाई नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल कढ़ाई में बना सकते हैं। तो दोस्तों दाल बनाना शुरू करते हैं और उसके लिए मैंने ये 2 चम्मच घी लिया है। घी में इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप चाहे तो सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, सरसों के तेल में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। घी हमारा गर्म हो रहा है तो तब तक देख लीजिए, ये मैंने एक और चीज है जो हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसको बोलते हैं जख्या। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल राई के जैसे दाने होते हैं, तो इसको मैं तड़के में इस्तेमाल कर रहा हूँ। जो हम जीरा का इस्तेमाल करते हैं उसकी जगह मैं जख्या का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आपके पास जख्या नहीं तो आप जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके तड़के के लिए, और नहीं तो राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके तड़के के लिए। तो हमारा घी जो है वो गर्म हो गया है, इसमें मैं 1 टीस्पून ये जख्या डाल दे रहा हूँ। जख्या डालने के बाद मैं इसमें 2-3 कलियां गार्लिक की, यानी कि लहसुन की, ये इसमें डाल दूंगा। जो मैंने गार्लिक है उसको कूटा हुआ है, और ये गार्लिक मैंने इसमें 2-3 कलियां डाल दी। और गार्लिक हल्का सा भुनने के बाद में मैं इसमें दाल डाल दूंगा। तो ये गार्लिक हमारा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं दाल डाल दे रहा हूँ। तो ये जो दाल जो पिसी हुई है इसको हमने पहले भूनना है इसमें, और इसमें आप आंच बहुत ज्यादा तेज ना रखिए, नहीं तो आपकी दाल जो है जल जाएगी। तो इसको मैं अच्छे से अब भून लूंगा। तो दोस्तों ये देखिए 3-4 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है, और इसका दाल का भी कलर हल्का सा चेंज हो रहा है, देखो तो हल्का सा गोल्डन हो रहा है चेंज। और अब इसमें मैं बाकी के मसाले डाल के उसको अच्छे से थोड़ा सा पका लूंगा। बाकी के मसालों में मैंने ये लिया है जीरा और धनिया होल, उसको भून के कूटा हुआ है। तो ये मैं 1.5 टीस्पून डाल दे रहा हूँ, 1/2 टीस्पून हल्दी, और ये 2 छोटी कटी हरी मिर्च भी है, ये भी डाल दे रहा हूँ। और मसालों के साथ में आप थोड़ा सा और इसको अच्छे से भून लूंगा ताकि मसाले थोड़े से पक जाएं। तो दोस्तों इसके बाद में इसमें गर्म पानी डाल दूंगा, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी साइड में गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो इसको मैं दाल में डालूंगा और इसके बाद आपने इसको अच्छे से 10 मिनट तक पकाना है। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे दाल को पूरा पकने में, और उसके साथ ही आपकी दाल रेडी हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए दाल बिल्कुल पक के रेडी है, और ये आपको दिखाता हूँ मैं, देखिए तो ये दाल बिल्कुल पक चुकी है। आप एक बार खा के देखोगे तो आपको पता चल जाएगा पक्की है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सॉल्ट मैंने बीच में थोड़ा डाल दिया था, अब थोड़ा लास्ट में मैं एडजस्ट कर दूंगा पूरा फिनिश होने के बाद, और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए कितना इजी है इसको बनाना, और टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, और ना आपको प्याज टमाटर काटने की झंझट है, ना उसका मसाला बनाने की झंझट है। बस थोड़े से मसाले और तड़का चाहिए, उसी में आपकी दाल रेडी हो जाएगी। तो देखिए सॉल्ट भी बिल्कुल एडजस्ट कर लिया है, दाल भी बिल्कुल पक गई है, इसको अब निकाल लेता हूँ मैं एक बाउल में। आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, आपको बहुत पसंद आएगी, तो जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे बताइए कैसी लगी है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा धनिया काट के भी डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा टेस्ट आएगा। और एक गार्निश के लिए पुदीने का पत्ता या धनिया का पत्ता
तो ये दाल आपकी बिल्कुल रेडी है। तो दोस्तों देखिए, दाल को बनाने में मेरे को ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगा और ये दाल आपकी रेडी हो गई। तो दोस्तों आज मैं आपको जो किचन टिप देने जा रहा हूँ, ये है तो बहुत छोटी सी लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा है और आपको किचन में ये बहुत काम आएगी। तो दोस्तों अब जब भी आप मार्केट अपने किचन के लिए बर्तन लेने जाते हो तो एक चीज का आप ध्यान जरूर रखिए, आप अपने किचन के लिए जो भी बर्तन लें उनके बेस हमेशा मोटे हों। जब भी किसी बर्तन का बेस मोटा होता है तो उसमें खाना जल्दी से नीचे जलता नहीं है। तो जब भी हम ऐसे बर्तन में कभी खाना पकाते हैं तो हम उसमें बड़े आराम से पका सकते हैं बिना जलने के टेंशन के। वरना अगर आप पतले बेस वाले बर्तन जब यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, जल्दी से वो हीट हो जाता है और नीचे जो खाना रहता है वो भी बहुत जल्दी जल जाता है। ऐसे में आपके लिए उसमें काम करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए हर बर्तन जो है उसका बेस मोटा हो। तो दोस्तों कैसी थी आज की हमारी ये रेसिपी हमें जरूर बताइए और अपने फीडबैक और सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये उत्तराखंड की स्पेशल रेसिपी जो है वो जरूर पसंद आएगी, आप इसको ट्राई जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज रेसिपी। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।